नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 समाचार चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। मोदी सरकार की गारंटी योजना का शिविर वार्ड 57 में लगाया गया, जिसमें भारी संख्या में आम जनता मौजूद रही। वार्ड के पार्षद सुरेंद्र वाटिका ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं। मुख्य अतिथि के रूप में स्वतंत्र प्रभार मंत्री एवं गोविंदपुरा की विधायक श्रीमती गौर ने सभी हितकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री द्वारा जो यहाँ पे योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, किस प्रकार का आयोजन है यहाँ पे और क्या क्या आज महिलाओं को दिया गया यहाँ पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों की सरकार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बेहतर सुशासन देकर ये साबित कर दिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश भर में, देश के कोने कोने तक पहुँच रही है। जो लाभार्थी है, जिनको योजनाओं का लाभ मिला, वो अपना संस्मरण सुना रहे हैं, और जिनको लाभ नहीं मिला उनको लाभ दिलाने देने का काम हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की सोच हमेशा से यही है कि समाज का गरीब वर्ग विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहिए। एक गरीब का जीवन बेहतर बने और उसके लिए लगातार प्रयास उन्होंने किया। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, लगातार प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के जीवन बदलने के लिए योजनाएं संचालित की। उन योजनाओं का लाभ लोगों को मिला और लोगों का जीवन बदला। जो छूट गए हैं, जो अभी वंचित रह गए हैं, उनको भी इन योजनाओं का लाभ मिले, इस दृष्टि से विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। आज हमारे गोविंदपुरा के वार्ड 57 में हमने इस विकसित भारत यात्रा को का कार्यक्रम आयोजित कर मोदी की गारंटी की गाड़ी यहाँ लोगों के बीच हम लेकर आए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक प्रधानमंत्री जी पर वृत्तचित्र का यहाँ प्रेजेंटेशन है, प्रदर्शन है। सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे लोगों को मिला उनसे संवाद है, और बड़ी संख्या में यहाँ पर काउंटर लगाकर लोगों को लाभ दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार समस्त जनप्रतिनिधि कर रही है। कई महिलाओं यहाँ पर किसी प्रकार से विचलित है कि जिस प्रकार से योजना चलाई गई थी महिलाओं के लिए 1250 रुपए की, वो बंद होने की कगार में है, क्या इसमें कोई सच्चाई है क्या? हमारे नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने स्पष्ट रूप से विधानसभा में भी और बाहर भी ये कहा है कि संकल्प पत्र में और पूर्व की चल रही सारी योजनाएं हमारे लिए हमारा गीता और रामायण का ग्रंथ के समान पवित्र है। हमने जो कहा है वो करके दिखाएंगे। पूर्व की जितनी योजनाएं चल रही है वो सारी सुचारू प्रकार संचालित होती रहेंगी। आज कितनी महिलाओं को लाभ मिला? संदेह करने की जरूरत नहीं। आज कितनी महिलाओं को 10 और 20 हज़ार रुपए की लोन की योजना? स्वनिधि योजना से आज हमने प्रतीकात्मक रूप से 5 लोगों को लाडली लक्ष्मी का लाभ लेने वाली लगभग 5 बेटियों को और वृद्धावस्था और कल्याणी पेंशन में लगभग 10 से 11 लोगों को लाभ दिया। सर, वार्ड 57 में आज बहुत सारे कैंप लगाए हैं जो गरीबों की योजना है भारत सरकार की। आज मोदी सरकार की गारंटी, मोदी जी की गारंटी वाला कार्यक्रम है और यह विकसित भारत संकल्प यात्रा का यहाँ पर आज बहुत बड़ा शिविर लगा हुआ है 1857 रुपया पहले का में, जो कि जो भी हितग्राही केंद्र सरकार की योजना है और मध्य प्रदेश सरकार की योजना है वो यहाँ पर स्टॉल के माध्यम से यहाँ पर उनको सुविधा दी जा रही है। सभी हितग्राही यहाँ पर आकर
अपने फॉर्म भरवा रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और उनको सारी सुविधाएं यहाँ पे दी जा रही है। तो घर बैठे योजना उनके घर पे यहाँ पे आइए, उसका लाभ यहाँ पे दिया जाए। सर भारी जनता का रोष यहाँ पे देखा गया, जनता बहुत उमड़ के आ रही है। जनता इसलिए आ रही है कि उनका मोदी जी की गारंटी, हर जो योजना है केंद्र सरकार की योजना है जो हितग्राहियों के गरीबों के लिए, वो मोदी जी की गारंटी वाली योजना है, इसलिए सारी जनता यहाँ उमड़ रही है और बड़ा उत्साह है जनता में। जैसे कि पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री की स्वनिधि योजना है जिसमें लोन लेकर गरीब लोगों को उनका रोजगार स्थापित हो सके। इसके साथ ही साथ आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, नए कार्ड बनवाएंगे, तो तमाम योजनाएं हैं। इसी वजह से यहाँ पर उज्ज्वला योजना है, आधार कार्ड यहाँ पर बनाने की योजना है, स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ है, हेल्थ कैंप लगा हुआ है और वृद्धावस्था पेंशन मध्य प्रदेश शासन की है, विधवा पेंशन है, इसके साथ ही साथ किसान योजना है। तमाम जो योजनाएं भारत सरकार की और केंद्र सरकार की, उस पर मोदी जी की गारंटी है कि हर योजना का लाभ अपने हितग्राहियों को मिलेगा और 2047 तक विकसित भारत का संकल्प मोदी जी ने जो दिया है वो हम पूरा करेंगे। सर नाम बता दीजिए। भाई मैं 65-57 सुरेनबाड़ी का विद्या पेलेखा में यहाँ शिविर लगा हुआ, विकसित भारत योजना, विकसित भारत संकल्प यात्रा यहाँ पर आई हुई है। ये मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी आई, इसका भी भारी उत्साह से सब लोगों ने स्वागत किया। मैं सबको, मोदी जी को और भारत सरकार को और मध्य प्रदेश शासन को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा शिविर यहाँ पर आयोजित करके घर बैठे सारी योजनाओं का लाभ देने का यहाँ पर संकल्प लिया है और हम पार्षद होने के नाते सभी हितग्राहियों को संकल्प लेता हूँ कि सबको यहाँ पर लाभान्वित करेंगे। सर आज बाढ़ 57 में जो शिविर लगाए गए हैं, सरकार की जनकल्याण योजना जनता तक पहुँचाई जा रही है। भारत सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है, उसमें जो योजना है प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ घर बैठे मिल रहा है लोगों को। आपकी सरकार आपके द्वार का परिपालन करती हुए भारतीय जनता पार्टी ये कार्यक्रम करा रही है। इनमें जो भी हितग्राही हैं वो यहाँ पे आवेदन दे के अपनी जो भी उनको सुविधाएँ मिल सकती हैं, जिसके वो उसके अथराइज हैं, वो सुविधाएँ उनको प्राप्त हो रही है। सर नाम बता दीजिए। गणेशराम नागर। सर आज कैंप लगाए हुए हैं, नारे में बड़ी व्यवस्थाएँ देखी गई है। आज हमारे यहाँ देखा सरकारी स्कूल में माननीय मोदी जी की जो योजना चल रही है उस संबंध में कैंप लगाया गया, जिसमें सभी प्रकार के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और कैंप के माध्यम से सबको लाभ पहुँचा रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद माननीय मंत्री जी हमारे कृष्णा गौर जी आने वाली हैं, उनको सभी का उनकी सर सरकार की योजना है वो आम जनता पहुँचाने। हमारे मोदी सरकार की योजना जो कि केंद्र की योजना है और जो मध्य प्रदेश की योजना है, उन सबका मिला जुला मिश्रण आज यहाँ कैंप लगाया गया है। भारत विकास संकल्प यात्रा के अंतर्गत पिपलिया पेंडे खाते सब हितग्राहियों को आज आमंत्रित किया गया है। बाकायदा घर जा के लोगों को कार्यकर्ताओं ने बोला है कि जो हितग्राही हैं वो इस सुविधा का लाभ उठाएं और यहाँ तुरंत कार्रवाई होकर सभी योजनाओं का लाभ यहाँ के नागरिकों को मिल सकेगा। ये एक चहुमुखी योजना के अंतर्गत माननीय मोदी जी की जो गारंटी है उसका प्रतिपालन किया जा रहा है। हमारी क्षेत्रीय विधायक एवं मंत्री माननीय श्री कृष्णा गौर जी के नेतृत्व में यहाँ पर अच्छी तरह से ये कैंप का संचालन किया जा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी और हमारी नेत्री श्रीमती कृष्णा गौर को इस बढ़िया कार्यक्रम हेतु बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। नाम बता दीजिए। योगा सक्सेना गुड्डू, विधायक प्रतिनिधि। सर आज 8-57 शिविर लगाया गया है, भारतीय जनता पार्टी योजना जनता तक पहुँचाई जा रही है। विकसित भारत यात्रा के तहत भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे संपूर्ण भारत में जो नया योजना चलाई गई है, इसके तहत सभी हितग्राहियों को किस प्रकार से हम लाभ पहुंचा सकते हैं, स्ट्रीट वेंडरों को कैसे हम उनका रोजगार दिला सकते हैं और भी जो भी स्कीमें हैं जिनके तहत उनको लाभ पहुंचाया जा सके, इसके माध्यम के लिए ही यह यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विकसित यात्रा यहाँ आई हुई है
इसके माध्यम से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना के माध्यम से 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये और यह राशि बढ़ते हुए 1,00,000 रुपये तक स्ट्रीट वेंडरों को उपलब्ध कराई जा रही निःशुल्क बगैर ब्याज से। इसके माध्यम से गरीब वर्गों का स्तर हमको ऊपर करना है और जो भी समाज में अंतर है व्यापारियों में, जैसे गरीब वर्ग हैं जो अपना रोजगार नहीं कर पा रहे हैं, उस स्तर पर हमको ऊपर लाकर उनको आत्मनिर्भर बनाना है, इसके तहत ये कार्यक्रम किया जा रहा है। सर नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रताप सिंह बैस, वार्ड 57 से पूर्व संयोजक एवं गोविंदपुरा सोशल मीडिया सह संयोजक। योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, कोई जनता को 4-5 किलोमीटर दूर ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर पर ही पूरी योजनाएं आएंगी। पूरा नगरीय कार्यालय मेरी जुबानी में कहा हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, यदि आपको क्या नाम है? सीता दीदी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो गवर्नमेंट योजना चल रही है उनका आपको प्रेरित का लाभ मिलेगा? अच्छा, जैसे अच्छा दीदी, उसमें किसी प्रकार की आपको आप पीएम मोदी से कुछ कहना चाहोगे? सही बात है, तो आप उनको धन्यवाद देने का आपने जो बिल्कुल सवाल मोदी पहले विधायक थी, अब मंत्री बन गई है, क्या लगता है अब डबल इंजन की तरह डबल काम होगा क्षेत्र में? आज मंत्री ने बोला है कि वो ऐसा कहीं किसी मतलब रहवासी के, मतदाता के या माताओं बहनों के मन में ना आए कि अब मैं मंत्री बन गई हूँ तो अब मैं मिलूंगी नहीं या समय नहीं दूंगी। बिल्कुल जैसा पहले चल रहा था वैसा ही चलेगा, बल्कि ताकत और बढ़ गई बहुत। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, बने रहे हेडलाइन 24 समाचार के साथ। नमस्कार, ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।